हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों को मैं लाया हूँ घुमाने ग्रेटर नोएडा, जो कि एक बहुत ही हाईटेक सिटी है। यहाँ पे लगभग अप्रोक्स सारे ऑफिसेज हैं, एडोबी है, इन्फोसिस है, बहुत बड़ी, हम देखा देख सकते हैं पीछे कितनी बड़ी बिल्डिंग है जिसको एक्सप्रेस टावर कहते हैं। तो बहुत सारी ऑफिसेज है और बहुत ही अभी यहाँ पे मतलब काफ़ी डेवलप एरिया है और अभी और भी डेवलप हो रहा है। अभी मैं ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 132 में हूँ और मैं आपको यहाँ घुमाने वाला हूँ। यहाँ का जो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है 137, और अगर आप बाई बस जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से हाईवे पर चले जाइए, आपको हाईवे से हर जगह के लिए आपको बस भी मिल जाएगी। तो मेरे सामने देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा पीछे स्कूल है, GABM स्कूल है, काफ़ी बड़ा स्कूल है। तो मैं आपको ये पूरा आज ग्रेटर नोएडा घुमाने वाला हूँ, तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने जो ये स्कूल है, कितना बड़ा स्कूल है। ये कोई JBM ग्लोबल स्कूल है और ठीक इसके सामने ही यहाँ पे आप देख सकते हैं ETT टावर है, जिसका फुल फॉर्म है एक्सप्रेस ट्रेड टावर। यहाँ पे मैक्सिमम सारी बैंक हैं, जैसे ICIC, HDFC, फर्स्ट बैंक, तो मैं भी IDFC बैंक में काम करता हूँ। यहाँ पे आपको सारी बैंक के, इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑफिस हैं, लेकिन मैक्सिमम नीचे जितने भी हैं वो सारी बैंक अवेलेबल है यहाँ पे। और भी मैं आपको आगे चलता हूँ, आगे ही जाएंगे तो आगे ही जो नेक्स्ट बिल्डिंग है उसके अंदर इन्फोसिस का भी ऑफिस है, तो भी मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं कितनी पार्किंग हो रखी है गाड़ियों की। अगर यदि आप यहाँ पे जॉब करते हैं और यहाँ पे आसपास कहीं रूम ढूंढने की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि यहीं पे आसपास कहीं आपको रूम मिल जाए, तो जो सबसे नियरेस्ट लोकेशन है यहाँ पे वो है सेक्टर 128। वैसे आप सेक्टर 110 या सेक्टर 93 में भी ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा 4-5 किलोमीटर दूर पड़ जाते हैं। लेकिन जो सबसे नियरेस्ट जो है वो 128, जो कि यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर के आसपास दूरी में पड़ता है। वहाँ पे आपको PG वगैरह 7,000 से 8,000 के बीच में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पर ले सकते हैं। और मैं जो आपको ये ब्लू कलर की सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग अंदर इन्फोसिस का ऑफिस है। और यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पे अभी और डेवलपमेंट चल रहा है, तो देख सकते हैं कितना कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी यहाँ पे चल रहा है। अभी मैं हाईवे की ओर जा रहा हूँ। अगर आप सेक्टर 132 या 128 या इस इलाके में, एक यहाँ पे 134-135 सभी यहाँ पे मतलब आसपास सेक्टर, अगर आप यहाँ मेट्रो से आना चाहते हैं, जो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है 137। बाकी 82 भी है, 83 भी है, लेकिन ये थोड़ा दूर पड़ते हैं। और लेकिन 137 वो लगभग आपको 4 या 3-4 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है 137। और आपको इस मेट्रो स्टेशन पर आने के लिए आपको सेक्टर 51 से वॉयलेट लाइन पकड़ना पड़ेगा। और आप कहीं भी मतलब आप कहीं से भी आ रहे हो, आपको सेक्टर 51 आना पड़ेगा और वहाँ पे वॉलेट लाइन पे ही आपको यहाँ पे आने के लिए टोकन मिलेगा। तो अगर आप यहाँ मेट्रो से आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सेक्टर 51 आना पड़ेगा। देखिए जो बिल्डिंग दिखा रहा हूँ, इसी बिल्डिंग के अंदर काफ़ी ऑफिसेज हैं। इसके अंदर इन्फोसिस का भी ऑफिस है और ये सामने आप देख सकते हैं ACE लिखा हुआ है। तो ये है, देख सकते हैं कितनी बड़ी और कितनी ऊँची और कितनी ऊँची बिल्डिंग है ये। लगभग नोएडा से ग्रेटर नोएडा जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है और अभी और हो रहा है। अब मैक्सिमम लोग नोएडा से ग्रेटर नोएडा की वो ही मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी स्पेस भी है और एक काफ़ी, और जितने भी ऑफिसेज हैं वो सब ग्रेटर नोएडा में ही खुल रही हैं, क्योंकि अब नोएडा में जगह बचा ही नहीं है कोई भी नया ऑफिस खोलने के लिए। और बहुत सारी ऑफिस, जो पहले मैं नोएडा में काम करता था, बहुत सारी ऐसी जो ऑफिस हैं जो कि नोएडा से अब ग्रेटर नोएडा की में मूव हो चुकी हैं, और भी बहुत सारी ऑफिस मूव हो रही हैं। देख सकते हैं यहाँ का गोल चक्कर, हम इस गोल चक्कर से उस पार जाएंगे तो हम हाईवे पहुँच जाएंगे, और हाईवे से हमें यहाँ से 37 के लिए बस मिल जाएंगी। और अगर हम उधर 137 आगे ग्रेटर नोएडा जाना है तो हमें लेफ्ट साइड में उधर को निकल लेंगे, और हमें 37 जाना है, 3 सेंटर जाना है, 35 जाना है, मतलब कहीं जाना है तो हमें जाके हाईवे पे, वहाँ से हमें बस इजीली मिल जाएगी। तो अभी हम हाईवे की ओर ही जा रहे हैं और वहाँ पे देखते हैं बस कितने देर में मिलती है हमें। देखिए जो मैंने आपको सामने से, और मैं आपको इस लेफ्ट साइड से दिखा रहा हूँ इस बिल्डिंग को, देखिए इसके अंदर उधर इन्फोसिस भी है, ऊपर इधर HDFC बैंक है, और भी बहुत सारे ऑफिस हैं इस बिल्डिंग के अंदर।
और अगर आप यहाँ पे जेपी हॉस्पिटल भी यहाँ जस्ट नियरेस्ट यहाँ पे बहुत ही पास में है 132 के लगभग 3 से 4 किलोमीटर अगर आप आगे को जाएंगे लेफ्ट साइड में तो आपको जेपी हॉस्पिटल भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जेपी हॉस्पिटल का शायद कहीं बोर्ड भी लगा है, देखिए साइड में वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है जेपी हॉस्पिटल का, तो जेपी हॉस्पिटल भी यहीं पे, लेकिन यहाँ भी लगा हुआ है जेपी हॉस्पिटल का बोर्ड और यहाँ से लिखा हुआ है 1 किलोमीटर, यहाँ से मात्र 135 से 1 किलोमीटर है जेपी हॉस्पिटल। यानी अगर आपको जेपी हॉस्पिटल आना है तो भी आपको 135 ही आना पड़ेगा। अभी मैं देखिए सेक्टर 132 में था, अब मैं सेक्टर 135 में आ गया, तो 35-32 सब आसपास में ही है। और इधर ही आप यहाँ पे आना चाहते हैं मेट्रो से, मैंने बताया आपको कि सेक्टर 137 आना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सेक्टर 110 का बोर्ड लगा हुआ है। अभी शाम का टाइम है तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे मत ट्रैफिक है, क्योंकि अभी ऑफिसेज सारी बंद हुई हैं, तो अभी सब ऑफिस से लोग निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अभी ट्रैफिक है क्योंकि अभी शाम का मौसम है। तो है कि ग्रेटर नोएडा हाईटेक तो है ही, साथ में खूबसूरत भी बहुत है। इसको इतना वेल मैनेज किया गया, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ग्रीनरी है, कितना पेड़ पौधे हैं। उधर साइड में गाड़ियाँ आ रही, इधर साइड में इधर लोग आने जाने के लिए बना हुआ है, देख सकते हैं कितने पेड़ पौधे हैं। तो काफ़ी खूबसूरत भी है ग्रेटर नोएडा, देख सकते हैं इसके बगल में ही हाईवे हैं, हम वहीं पे जाएंगे और मैं वहीं पे जस्ट आगे बगल में कटआउट है, तो वहाँ से कटआउट से हम हाईवे पे पहुँच जाएंगे और वहाँ से हमें बसेस मिल जाएंगी 37 के लिए, 35 के लिए सिटी सेंटर के लिए, वहाँ के हमें बसें मिल जाएंगी। तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं, आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि बस से मिलने के बाद हम 132 से लगभग 20-25 मिनट में 37 पहुँच चुके हैं, बोटनिकल गार्डन, जिसको बोटनिकल गार्डन मेट्रो भी कहते हैं, और सेक्टर 37 भी यहीं पे पास में बोटनिकल गार्डन मेट्रो भी है। अगर यहाँ से आपको 62 के लिए और हर मतलब 62 के लिए, 63 के लिए, 35-34, 59-61 के लिए आपको ऑटो भी मिल जाएंगी और साथ में आपको मेट्रो भी मिल जाएंगी। तो आप यहाँ आ जाते हैं तो आपको समझ लीजिए आप पूरा नोएडा को एक्सेस आराम से कर सकते हैं यहाँ आने के बाद। तो दोस्तों बताइएगा कि और हम कहाँ आपको ले जाएं नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, दिल्ली में, कहीं भी, और आपको हम और क्या दिखाएं, और हमारे साथ बने रहिए और ऐसे ही नोएडा, दिल्ली और जगह और भी जगह जगह लोकेशन हम आपको दिखाते रहेंगे, उनके बारे में चीज़ें जो भी हमें जितना भी जानकारी होगा उतना आपको हम देते रहेंगे। तो आपसे मिलते हैं अब किसी नए वीडियो में किसी नए लोकेशन पर, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टाटा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और कोई आपका क्वेरी क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।